पर्याप्त तो मात्रा में नेसेसरी जितना चाहिए था उतना है राइट right? तो इनफ का इस्तेमाल आप दो तरीके से करते हो पहला एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब सो जब आप इनफ का यूज एज एन एडजेक्टिव करोगे तो आपने याद रखना है एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है बिफोर नाउन सो वेन एवर यू उसको कहां लगाओगे नाउन के पहले वहीं अगर इनफ आपका एडवर्ब का, का काम करेगा तो आप उसको जनरली कहाँ लगाओगे एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसको क्वालीफाई करता है रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच को अब रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर के जैसे कि एडजेक्टिव एडवर्ब खुद वर्ब प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एटसेट्रा राइट सो जब आपका इनफ एडवर्ब की तरह काम करेगा तो आप इसको एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के बाद या फिर वर्ब के बाद लगाओगे

और नाउन के पहले आपका इनफ यूज होता है अगर आप उसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगाते हो एडजेक्टिव और आपने यहां पे क्या लगा दिया इनफ बिफोर नाउन सेकंड है आई हैव डन इनफ फॉर यू मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया है पर्याप्त मात्रा में काफी कुछ कर दिया है मैंने सो so यहां पर लिखा हुआ है डन जो कि आपकी वर्ब है और वर्ब के साथ अगर आप इनफ का कर इस्तेमाल करोगे तो, तो दैट विल बी यूज एज एन एडवर्ब और वो कहा लगेगा okay, देखिए, तो तो पर अगर आप good देखो, तो this is an adjective, और adjective को qualify करने के लिए आप adverb करते हो. और जब एडवर्ब के तौर पर इनफ यूज किया जाएगा तो वो एडजेक्टिव के बाद आएगा वर्ब के बाद आएगा सिमिलरली अगर आप ये वाला सेंटेंस देखिएगा यू हैव सब्जेक्ट एडवर्सली

रिमेंबर so दिस ये रूल हमेशा याद रखिएगा कि जब जब आपने इनफ को के तौर पर यूज किया तो वो नाउन के पहले आया और जब आपने उस को के तौर पर किया तो वो वर्प और वर्प के बाद में आएगा। अब मैं जाते जाते आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी एंड द क्वेश्चन इज सिचुएशन इज इनफ टफ या फिर सिचुएशन इज टफ इनफ इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है जो भी राइट है वो स्टेटमेंट आप कमेंट सेक्शन में लिख करके कर दोगे और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहोगे हमारे साथ हमारे इस चैनल पर और मुझे बताते भी रहोगे कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आपके पास रेगुलर बेसिस पे आती रहूं तो उसको शेयर करो नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक हम लोग ये रूल्स पढ़ने वाले हैं so, जितना ज्यादा शेयर करोगे जितना ज्यादा ये वीडियो आप लोग दूर दूर तक फैलाओगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतनी ज्यादा वीडियोज मैं आपके सामने लेकर के आ पाऊंगी बेस्ट बाय थैंक यू एंड टेक केयर